अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात अव्वल से मजमून रियाजी के सबक नंबर 19 आओ जमा करें के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, दिखाई गई तस्वीर में शाहिद नामी बच्चे के पास एक पासा है, बिल्कुल इसी तरह रजिया नामी बच्ची के पास भी एक पासा है। इन दोनों के पासों की तादाद कुल हमें यहाँ इस चौकोन में दिखाई गई है वो दो है। बच्चों, दो आदाद को या दो चीज़ों को मिलाने के लिए या उन्हें जमा करने के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ये जमा की अलामत है, इसके मुताबिक हम पहले भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ इस तस्वीर में देखिए, यहाँ इस तरफ दो लट्टू है और यहाँ एक लट्टू है। इन दोनों के दरमियान ये जमा की अलामत है, मतलब ये हुआ कि हमें इन लट्टुओं को मिलाना है, उन्हें इकट्ठा करना है। बच्चों, दो लट्टू और यहाँ एक लट्टू, इन्हें हम जब मिलाएंगे तब कुल कितने लट्टू होंगे? यहाँ शाबाश, कुल तीन लट्टू होंगे। बच्चों, अब यहाँ इस तस्वीर में देखिए, यहाँ हमें इस तरफ चार मेंढक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तीन मेंढक दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान हमें जमा की अलामत नजर आ रही है, यानी हमें इनकी जमा करना है। तो चलिए हम इन्हें मिलाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, कुल कितने मेंढक हो गए? यहां पर चार और यहां पर तीन, कुल सात मेंढक हो गए। हमें इन सात मेंढक को कहाँ, सात कहाँ लिखना है हमें? यहाँ इस चौकोन में लिखेंगे हम सात। बच्चों, इस तरह से जमा के अमल को हमने देखा है, यानी हमें इन्हें मिलाना होता है, इकट्ठा करना होता है, यकजा करना होता है। बच्चों, मिलाने के, इकट्ठा करने के, यकजा करने के अमल को हम जमा का अमल कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों, चंद सरगर्मियों के ज़रिए से, चंद मिसालों के ज़रिए से हमने यहाँ पर आओ जमा करे इस तसव्वुर को समझने की कोशिश की है।